जी प्रणाम, मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट का LLB फर्स्ट ईयर का छात्र गोपाल बंसल बोल रहा हूँ। बाबा जी, मैं अपने और अपने साथियों के फायदे के लिए एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई में अगर ध्यान केंद्रित ना हो तो मन को भटकाव से बचाने के लिए कोई अगर स्पेशल प्राणायाम या योगा वगैरह हो, ऐसा कोई योगा या प्राणायाम बताइए बाबा जी। देखो भाई, मन तो बहुत चंचल होता ही है, भटकता है ही, है ना। अब उसको भी ट्रेंड किया जाता है मन को जी बाबा जी। तो मन दो तरह से ट्रेंड होता है, एक तो प्राणायाम ध्यान से और दूसरा विचार शक्ति से। एक तो हम प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो उससे स्वाभाविक रूप से मन का नियंत्रण आता है। ये तो उसकी प्रैक्टिस हो गई कि आप कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए, 5 ही मिनट में आपका मन शांत हो जाता है। अनुलोम विलोम कीजिए, 5 ही मिनट में मन शांत हो जाता है। श्वासों पर ध्यान कीजिए, खाली लंबा श्वास ही चल रहा है ना, ऐसे 4-5 श्वासों को ऐसे देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। ये उस का एक प्रोसीजर है जी बाबा जी, जो है व्यवहारिक तौर पर। और दूसरा ये है कि अपने मन में हमें एक दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में अशुभ का स्वागत नहीं करना, कोई भी गलत बात को अपने भीतर प्रश्रय नहीं देना, उसको आमंत्रित नहीं करना, उसका स्वागत नहीं करना। तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको उसी समय हटा दें। हम क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है किसी भी तरह का, वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, डिफरेंट उसके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऐसा लुभावना विचार आता है जिसमें शुरू में ऐसा लगता है हाँ ठीक है, ऐसे सोचते रहो, जैसे जो है बच्चा है उसके मन में 2-3 तरह के विचार आते हैं यंगस्टर्स के जी। एक तो लड़का लड़कियों को एक दूसरे के प्रति विपरीत लिंग का आकर्षण, और उसमें आदमी खोता जाता है और पागल हो जाता है। फिर दूसरा पैसे के बारे में, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना ये गाड़ी होनी चाहिए, ये ऐसा मोबाइल होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो दूसरा उसको सुविधाओं का जो है लालच, फैसिलिटीज का लालच। तो किसी भी तरह का ये जो लालच मन में आता है जी, चाहे वो धन का लालच आए, चाहे वो शरीर का वासनाओं का लालच आए, इन सबसे अपने मन को कंट्रोल में रखना कि मुझे नहीं जाना इस तरफ। तो जैसे एक बार शुरू कर दिया ना, फिर वो चैन शुरू हो जाती है, और उस चैन में आदमी फिर ऐसे फंस जाता है जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है, खुद ही फंस जाती है, फिर आदमी निकल नहीं पाता है। तो एक ही विचार रखे मन में कि मुझे अशुभ का स्वागत करना ही नहीं है, बुरे विचार का स्वागत करना ही नहीं है, किसी भी लालच का स्वागत नहीं करना है, उसको अपने भीतर जगह ही नहीं देनी है। एक बार भीतर आ गया ना फिर तो फंसेगा। धन्यवाद बाबा जी। ठीक है।